तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू मिस्टर ऑलरेडी टेक चैनल। तो आज हम लोग जो टॉपिक लेके आए वो है नंबर सिस्टम का, और यूनिट डिजिट टॉपिक है वो क्या है, वो यूनिट डिजिट के प्रॉब्लम्स हम लोग आज सीखने वाले हैं। आपको पता भी है कि अभी रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो उसमें यूनिट डिजिट के प्रॉब्लम्स काफ़ी पूछे जा रहे हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है रेलवे के एग्ज़ाम के हिसाब से, इसलिए इस वीडियो में बने रहिए ताकि आपको ये यूनिट डिजिट के प्रॉब्लम्स आपको अच्छे से समझ सके। काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रिक्स है मेरे पास में, वो आपको आज मैं बताने वाला हूँ। ओके, तो आ गए हैं तो कुछ तो भी धमाका करके जाएंगे, है ना। आए हैं तो कुछ तो भी अच्छा धमाका करके जाएंगे। तो वो जो धमाका होने वाला है वो क्या होने वाला है, यूनिट डिजिट का धमाका होने वाला है आज, है ना। यूनिट डिजिट का धमाका करके जाएंगे, है ना। गर्दा मचा देंगे अपन आज, फटाफट से गर्दा मचा देंगे कैसे ये सॉल्व करना होता है, राइट। तो आज हम लोग ऐसी ट्रिक देखेंगे कि आपका बिल्कुल जिस बंदे को भी नहीं आता होगा यूनिट डिजिट, वो भी इसको आज सॉल्व कर पाएगा अच्छे से, है ना। ऐसी ट्रिक्स मैं आज लेकर आया हूँ, बहुत ही सिंपल और इजी ट्रिक है, और जल्दी से जल्दी आप इस प्रॉब्लम को कितना भी बड़ा रहो आराम से उसको सॉल्व कर पाओगे, है ना। वही अभी देखते हैं, चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ, है ना। इधर उधर मत देखो, बोर्ड पे देखो और बोर्ड पे ही ध्यान रखो अपना। मैं अभी आपको सिखाने वाला हूँ सबसे बेसिक से लेके हाई लेवल की। रेलवे में काफ़ी पूछे जाते हैं, है ना। रेलवे की एग्ज़ाम अभी जो चल रही है उसमें आपको एक या दो क्वेश्चन हमेशा मिल ही जाएगा, है ना। एक या दो क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिल ही जाएगा यूनिट डिजिट का आपको। तो देखते हैं ये कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे फाइंड करते हैं यूनिट डिजिट। काफ़ी सिंपल ट्रिक है, वो बता दूंगा आपको आज मैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं आपको बेसिक से पढ़ाऊंगा, एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। 2431 प्लस 1234 प्लस 2642, तो इसका यूनिट डिजिट कैसे फाइंड करना है हमको वो देखते हैं। एकदम सिंपल प्रॉब्लम है, है ना। फाइंड क्या करना है हमको, यूनिट डिजिट। ओके, इसका फाइंड यूनिट डिजिट फाइंड करना है हमको। तो इसका कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं, सबसे पहले बेसिक से करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या है, लास्ट में वन, तो ये इसको क्या बोला जाता है, यूनिट डिजिट बोला जाता है। जो भी लास्ट में आ जाए, है ना, जो भी आपको संख्या दी हुई है, जो भी नंबर आपको दिया हुआ है, उसके लास्ट में जो भी मतलब नंबर आता है उसको क्या बोला जाता है, यूनिट डिजिट नंबर बोला जाता है, राइट। तो इसके लास्ट में वन है तो यहाँ पे प्लस है, इसके प्लस कर दो, इसमें फोर है लास्ट में, प्लस टू कर दो, तो ये कितना आएगा, 4567, है ना। तो ये सेवन आपका आंसर आ गया यूनिट डिजिट नंबर, ठीक है। इससे और दूसरा लेते हैं हम लोग अभी, 2438 प्लस 178 प्लस 174, ठीक है। तो इसका कैसे करेंगे हम लोग, है ना, इसका कैसे करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे लास्ट में क्या है, 8 है प्लस 8 है प्लस 4 करेंगे तो कितना हो गया, 8 और 8 16 17 18 19 20, है ना, 20 आंसर आया। लेकिन अपने को सिर्फ लास्ट वाला डिजिट लेना पड़ता है यूनिट डिजिट, तो इसका यूनिट डिजिट आंसर क्या आएगा, 0। तो इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया, राइट। तो ये आपका आंसर हो गया। तो बस इसी बेस पे कभी यहाँ पे प्लस हो सकता है, ठीक है, कभी माइनस हो सकता है, कभी मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, कभी डिवीजन भी हो सकता है, ठीक है, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है एकदम, है ना, ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है। तो हम लोग अभी देखेंगे थोड़े टफ वाले क्वेश्चन, तो वो देखते हैं वो कैसे किए जाते हैं यूनिट डिजिट के, राइट। तो 0, 1, 5 और 6, हाँ 0, 1, 5 और 6, 0, 1, 5, 6, नो चेंज, है ना, 0, 1, 5, 6 नो चेंज होता है यहाँ पे। तो ये जो भी वैल्यू आप जीरो का स्क्वायर करोगे, ठीक है, जीरो को किसी और से मल्टीप्लाई करोगे तो भी जीरो आएगा, वन का आप कितना बार भी स्क्वायर करो, ठीक है, फिर भी वो वन ही आएगा, फाइव का कितने बार भी आप स्क्वायर करो, क्यूब करो, उसकी कितने भी पावर हो जाए, फिर भी वो फाइव ही आएगा। सिक्स का भी सेम वैसा ही है, सिक्स का आप स्क्वायर करो, हाँ क्यूब करो, तो भी वो सिक्स ही आएगा। कैसे आएगा देखते हैं, अब आप जीरो का स्क्वायर भी करोगे तो भी जीरो आएगा, है ना। टेन का स्क्वायर करोगे तो टेन टेन सा हंड्रेड आएगा,
20 का भी स्क्वायर करोगे, 2 2 4 मतलब 400, तो भी लास्ट में क्या है इसका यूनिट डिजिट, 0 ही आ रहा है, राइट। इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है। वैसे ही 1 का देखते हैं, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा, है ना। 11 का स्क्वायर करोगे तो 121 आएगा, फिर भी इसमें लास्ट में 1 ही आ रहा है, राइट। वैसे ही 5 का करोगे, 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 5 25 ही आने वाला है, है ना, लास्ट में 5 ही आया है। वैसे ही 15 का स्क्वायर करोगे तो भी वो 225, तो 5 ही आ रहा है। वैसे ही 5 का क्यूब करोगे तो भी 125 आ रहा है, तो भी ये भी लास्ट में 5 ही आ रहा है। वैसे ही 6 का स्क्वायर करोगे, 6 6 36, लास्ट में 6 ही आया है। वैसे ही 6 का क्यूब करोगे तो 216 आएगा, तो लास्ट में 6 ही आ रहा है, राइट। तो इसी की तरह से आप कितना भी 6 का स्क्वायर करो, क्यूब करो, तो भी लास्ट में उसका आंसर जो है 6, तो वही आने वाला है उसका यूनिट डिजिट, राइट। तो आपको ये याद रखना है, 0 1 6 और 5, अगर ये प्रॉब्लम में आपको दिख गया लास्ट में यूनिट डिजिट उसका 0 1 5 6 है और इसका कितना भी पावर हो जाए तो भी आंसर क्या आएगा इसका, सेम आने वाला है, उसका नो चेंज होने वाला है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसके बेस पे अपन अभी प्रॉब्लम्स लेते हैं, ठीक है। इसके बेस पे अभी हम लोग प्रॉब्लम्स लेते हैं कि कैसे किया जाता है प्रॉब्लम्स को, ठीक है, ओके। तो ये प्रॉब्लम है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो आपको जैसे मैंने बताया 6 है ना, 6 अगर आ गया लास्ट में यूनिट डिजिट यहाँ पे, राइट, तो नो चेंज होता है। तो इसका आंसर कितना भी इसका स्क्वायर में कितना भी रहो, है ना, स्क्वायर में इसके पावर में कितना भी वैल्यू रहो, फिर भी इसका आंसर क्या आएगा, 6 ही आएगा। वैसे ही 1 के पावर में कुछ भी रहो, आपको बताया 0 1 5 6, ये याद ही रट्टा मार के रख दो, 0 1 5 6, इसका जो आंसर आएगा उसका नो चेंज होने वाला है, वो सेम ही आएगा, ठीक है। 6 का सेम ही आ गया, 1 का भी सेम ही आएगा, तो 6 × 1 6, तो ये आपका यूनिट डिजिट का आंसर आ चुका है। वैसे ही नेक्स्ट प्रॉब्लम ले लेते हैं, ठीक है। 7 4 8 6 का पावर 321 प्लस 7 4 2 1 का पावर 342, है ना, इसका भी आंसर क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे 6 है ना, 6 यहाँ पे दिया गया है तो नो चेंज हो जाएगा, तो 6 वैसे का वैसे लिखना है। यहाँ पे अभी प्लस है, हाँ, तो प्लस लिखना होगा आपको, 1 का भी हो जाएगा, तो 6 + 1 7, तो इसका आंसर क्या आ गया, 7 आ गया। तो वही कभी मल्टीप्लिकेशन आ सकता है बीच में, तो उसके हिसाब से करना, मल्टीप्लिकेशन होगा तो मल्टीप्लाई करना होगा, डिवीज़न होगा तो डिवीज़न करना होगा, प्लस होगा तो प्लस करना पड़ेगा, और माइनस होगा तो सब्ट्रैक्शन आपको करना होगा, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है, तो आपको बता दिया मैंने 0 1 5 और 6, हाँ 0 1 5 और 6, ये हमको आपको याद रखना है, ताकि इस ऐसा प्रॉब्लम आ जाए आपको तो तुरंत फट से सॉल्व कर सको, है ना, अच्छी ट्रिक है ना, पसंद है आपको ये ट्रिक, ठीक है। और देखते आगे के क्वेश्चंस, ठीक है, अलग कंसेप्ट देखते अभी, ओके। तो देखते ये वाला क्वेश्चन 97 to the power 37 है, इसको कैसे सॉल्व करना है ना, इसका भी एक कंसेप्ट है, वो भी आपको बता देता हूँ 97 का क्या कंसेप्ट है। अब जैसे जब भी 7 3 2 आए ना, जब भी 7 3 और 2 आया, तो उससे जब भी हम लोग उसका स्क्वायर करते हैं, राइट, जब भी हम उसका स्क्वायर करते हैं, तो 4 के बाद में हमेशा फिर से रिपीट होती है वैल्यू, कैसे होती है दिखाता हूँ मैं। जैसे कि हम लोग अभी देखते हैं 7 का, ठीक है, 7 का कैसे, अगर जैसे 7 का पावर 5 है ना, 7 का पावर 5 है, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा देखते हैं। 7 7 49 49 आ गया, इंटू 7 कर दो, फिर से उसका क्यूब आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 7 7 9 63, तो क्या आ गया यहाँ पे, 63 आ गया, बराबर है, फिर से इसको 7 कर दोगे तो 63 आ जाता है। फिर आपको फिर से क्या करना है, 63 × 7 करना है, लेकिन क्या करोगे, 7 3 21 हो जाता है, है ना, लास्ट यूनिट डिजिट लेने का, अगर आपको उतना मल्टीप्लिकेशन नहीं आता तो लास्ट में लेने का, 7 3 21, फिर से 1 आ गया यहाँ पे, है ना, 1 आ गया, तो फिर 7 1 7, ठीक है, आ गया, कैसे हो गया देखो आप, पहले 7 आया, फिर 9 आया, फिर 3 आया, फिर 1 आया, फिर से 7 आया, तो इससे क्या पता चल रहा है आपको, 4 के बाद में, यानी उसका 4 बार स्क्वायर निकालने के बाद में
वापस वही वैल्यू रिपीट हो रही है। क्या हो रहा है यहाँ पे, चार बार स्क्वायर निकालने के बाद में उसका वैल्यू वहीं पे फिर से रिपीट हो रही है ना। वैसे ही थ्री का भी देख लेते हैं, थ्री का पावर फाइव, पहले थ्री रहेगा है ना, पहले थ्री रहेगा, फिर थ्री थ्री सा नाइन हो जाएगा, नाइन थ्री सा 27 हो जाएगा, बराबर है। फिर से सेवन थ्री सा 21 हो गया, सेवन थ्री सा 21 हो गया, फिर से थ्री वन सा थ्री वापस आ गया, आ गया वापस। फिर से चार के बाद में ये रिपीट हो रहा है, वैसे ही यहाँ पे भी सेवन के बाद में रिपीट हो गया था है ना। चार के बाद में एक दो तीन चार, फिर से सात आया, एक दो तीन चार, फिर से तीन आया। वैसे ही दो का भी आता है, दो का देखते हैं हम लोग अभी है ना, दो का भी वैसे ही आता है, दो का देखते हैं अभी हम लोग। टू वन, टू का टू, टू का पावर वन टू, टू का स्क्वायर फोर, ठीक है, टू का स्क्वायर फोर हो गया, टू का क्यूब एट हो गया, एट टू ज़ा सोलह होता है ना, टू का चार बार सोलह होता है। फिर से टू का करो तो सोलह दूने बत्तीस, तो आ गया वापस ये दो चार आठ सोलह बत्तीस, फिर से वापस टू आ गया। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी आप इसका टू थ्री और सेवन का करोगे तो चार के बाद में वापस वो रिपीट होने वाला है ना, चार के बाद में वो वापस फिर से रिपीट होने वाला है, तो ये आपको याद रखना है। तो इसके बेस पे हम लोग अभी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, तो ये वाला प्रॉब्लम देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसकी भी आपको एक ट्रिक बता देता हूँ मैं, तो आप जब भी इसको सॉल्व करोगे ना तो डिवाइड बाय फोर करना, इसका पावर 37 है तो 37 पावर को, कोई भी पावर हो, 37 हो 39 40 जो भी पावर हो, तो उसको फोर से डिवाइड कर देना है। क्यों कर रहे हैं हम लोग फोर से डिवाइड, क्योंकि हर चार के बाद में फिर से वही डिजिट रिपीट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हर चार के बाद में वही डिजिट फिर से यहाँ पे डिजिट फिर से रिपीट हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको चार से डिवाइड कर लेंगे, चार से 37 को डिवाइड करेंगे है ना। तो फोर फोर एट ज़ा 32, फोर नाइन ज़ा 36 हो रहा है, ठीक है, फोर नाइन ज़ा 36 हो रहा है। तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या बच रहा है, एक बच रहा है, रिमाइंडर अगर एक बचा तो सात का पावर एक लिख देना है ना, रिमाइंडर अगर एक बचा तो सात का पावर एक रहेगा, रिमाइंडर अगर दो बचा तो सात का पावर दो होगा, रिमाइंडर तीन रहा तो सात का पावर तीन रहेगा, और रिमाइंडर चार रहा है ना, रिमाइंडर अगर चार बचा तो सात का पावर चार रहेगा, अगर कोई भी रिमाइंडर नहीं है जीरो है तो भी सात का पावर आपको क्या लेना है, चार ही लेना है। हाँ ये भी याद रखना, सात का पावर आपको चार ही लेना है। तो यहाँ पे एक बचा तो सात का पावर हम लोग एक लेंगे, तो आंसर सात का पावर एक मतलब सात ही आंसर आ जाएगा, राइट। तो आंसर इसका क्या हो गया, सेवन ही आंसर हो गया है ना, ठीक है। तो वैसे ही अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, और एक इसके ऊपर सेम ऐसे ही इसके ऊपर और एक प्रॉब्लम देखते हैं। फोर्टी थ्री का पावर 38, इसका भी यूनिट डिफाइंड करेंगे, कैसे करेंगे आपको मैंने बताया, इसको भी चार से ही डिवाइड करना पड़ेगा 38 को। फोर नाइन ज़ा 36 हो गया है ना, फोर नाइन ज़ा 36, तो रिमाइंडर यहाँ पे अभी दो बज गया है। तो आपको क्या करना है, ये जो थ्री है ना इसका लास्ट यूनिट डिजिट उसका स्क्वेयर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर दो बचा है, तो मैंने आपको बताया दो बचा रहा तो रिमाइंडर स्क्वेयर करना है उसका है ना। तो थ्री का स्क्वायर क्या होता है, थ्री थ्री ज़ा नाइन, तो आंसर क्या हो गया, नाइन आंसर आ गया इसका, राइट। वैसे ही और एक प्रॉब्लम देखते हैं, ओके देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना है देखते हैं अभी। अब जैसे यहाँ पे दिख रहा है फोर का डिजिट है ना, फोर डिजिट लिख रहा है, तो मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था है ना, फोर से डिवाइड कर देना है आपको, जो भी यहाँ पे पावर रहेगा उसको फोर से डिवाइड करना है, एकदम सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है। फोर से डिवाइड कर दो 1873 को, फोर फोर ज़ा 16 हो गया है ना, 27, फोर सिक्स ज़ा 24 हो गया, कितना बचा है 33, फोर एट ज़ा 32, फोर एट ज़ा कितना हो गया 32, रिमाइंडर क्या है 1 आ गया, तो इसका पावर, तो ये यूनिट डिजिट लेके फोर का पावर वन लिख दो इसमें। वैसे ही इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको बताया था 0, 1, 5 और 6,
0156 का नो चेंज रहता है, तो 5 है यहाँ पे, तो 5 का 5 ही आएगा। अब 3 का करना पड़ेगा, है ना, 3 का करोगे तो 6 का, सॉरी 4 से डिवाइड करो उसको, 4 से 671 को डिवाइड करो, 4 हो गया 27, 4 जा 24, तो कितना बचा 3 या 1, 47 जा 28 बचा, 28 रिमाइंडर कितना बचा है, 3 बचा रिमाइंडर, तो बस इसका 3 का क्यूब कर दो, 3 का क्यूब क्या हो गया 4 इंटू 5 इंटू 33 जा 9, 9 3 जा 27, 9 3 जा 27, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, 5 4 7 5 जा, इसको नहीं भी ले तो भी चलता है राइट, इसको नहीं भी लेना आपने तो भी चलता है, इसका डिजिट से मल्टीप्लाई, 7 5 जा 35, ठीक है 35 ले लिए तो लास्ट का क्या आ गया 5 5 4 जा 20, तो आंसर कितना आ गया, अगर 20 है तो लास्ट यूनिट डिजिट 0 ही आ गया आंसर, है ना, आंसर कितना आ गया इसका 0 ही आ गया। ये सिंपल कंसेप्ट है ना, सिंपल, अगर आपको इतना बड़ा इंटू मतलब मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है तो सिंपल बता दिया मैंने आपको क्या करना है, 27 बाय जा फिर 5 इंटू फिर उसका जो भी आंसर उसके बाद में उसको 4 करोगे, उतना लंबा कौन जाएगा है ना, शॉर्टकट में करने का, 7 5 जा 35, तो 5 आ गया आपका यूनिट डिजिट नंबर, फिर से क्या करना 5 4 जा 20 हो गया, तो यूनिट डिजिट आंसर क्या आ गया ऑटोमेटिकली 0 हो गया, है ना, लास्ट डिजिट लेना पड़ता है, तो इसका आंसर क्या आ गया 0 आ गया इसका आंसर राइट। तो ये है, ठीक है, और एक नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, ये वाला प्रॉब्लम अभी देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो 3 का पावर यहाँ पे 271 दिया गया है, तो आपको मैंने बताया है 4 को डिवाइड कर को 271 से, है ना, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24 बचाए 31, 4 7 जा 28 कितना बचा है यहाँ पे रिमाइंडर, 3 बचा है रिमाइंडर, तो लिख दो 3 का क्यूब प्लस फिर से 4 से डिवाइड करो 672 को, फिर से 4 से क्या करना है इसको डिवाइड कर देना है 672 से, तो 4 1 जा 4 हो गया, 27 बचा है, 6 4 जा 24 32 बचा है, 4 8 जा 32 तो रिमाइंडर यहाँ कितना बच गया 0 बचा है। तो मैंने आपको बताया था जब भी 0 रिमाइंडर बचे तो आपको क्या कर देने का है यहाँ पे 4 का 4 बार पावर, 4 का 4 का पावर लिख देना है, 0 बचे तो 4 लिखना है, रिमाइंडर 1 बचे तो पावर 1 आएगा, 2 बचे तो 2, 3 बचे तो 3, लेकिन 4 बचे तो 4 आएगा और 0 बचे तो भी 4 ही आएगा उसका पावर, ठीक है ये याद रखना है आपको। तो 3 का पावर क्यूब कितना होता है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 लिख दीजिए प्लस 4 4 जा 16, 6 4 जा 24, है ना, 4 4 जा 16 हो गया, लेकिन हम 6 6 ही लेंगे, 6 4 जा 24, फिर से हम लोग 4 से क्या करेंगे इंटू 4 4 4 जा 16, तो ये 16 आ गया, लेकिन हमको क्या करना है वो मतलब नहीं है, इसके पहले डिजिट से हमको कुछ भी मतलब यहाँ पे नहीं है, तो 7 प्लस 6 कर दो, 6 प्लस 7 13, तो आंसर आपका क्या आ गया 3 आ गया इसका आंसर राइट, आंसर आपका क्या आ गया 3, आंसर इसका आ गया आपका 3 आंसर आ चुका है यहाँ पे राइट। ओके तो अभी देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है इसको कैसे सॉल्व करना है राइट। तो यहाँ पे क्या दिया गया है 4 दिया गया है, तो आपको पता है 56 का 4 से डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4 कितना बचा 16, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, तो रिमाइंडर क्या बचा यहाँ पे रिमाइंडर, फटाफट करने का रिमाइंडर यहाँ पे 0 बचा है, इसका मतलब 4 का पावर 4 आ जाएगा इंटू 9 का पावर 34 है, यहाँ पे 34 है तो 34 4 से डिवाइड कर दो, है ना, 4 8 जा 32 कितना हो गया 4 8 जा 32, तो रिमाइंडर यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 9 का पावर स्क्वेयर कर दो, 9 का पावर 2 कर दो इंटू 3, 3 का पावर 63 है, तो 4 से फिर से डिवाइड कर दो यहाँ पे, है ना, 4 से उसको डिवाइड करो 4 को 63, तो 4 1 जा 4 हो गया,
तो 2 30 23 बच गया, तो 5 4 20, तो 3 बचा रिमाइंडर, तो यहाँ पे 3 लिख दो, है ना, 3 का क्यूब आ जाएगा इनटू, और 6 का आपको पता है 0 1, 5 और 6 का नो चेंज, तो ये तो 6 ही आने वाला है यहाँ पे, है ना। इसको सॉल्व करो फटाफट, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4 का पावर 4 4 4 16, 6 4 24, फिर से 4 4 16, तो लास्ट में 6 आया, ओके लास्ट में 6 आया हमको मिला है इसका यूनिट डिजिट। 9 का स्क्वायर 9 9 81, लास्ट में 1 मिल गया, 3 3 9 9 3 27, 7 मिल गया लास्ट में, और ये 6 मिल गया, करो इसको मल्टीप्लाई, 6 1 6 6 6 36, 6 7 42, 6 7 42 आ गया, तो आंसर आपका आ गया यूनिट डिजिट यहाँ पे 2 आंसर आ गया, इसका आंसर क्या आ गया, 2 आ गया, राइट। एकदम सिंपल है, फास्ट करें, जितना आप ज़्यादा फास्ट करोगे है ना उतने अच्छे से आपको टाइम कम लगेगा, जितना आप फास्ट करोगे उतना टाइम आपको कम लगेगा। आप इसको और अच्छे से फास्ट में कर सकते हो मल्टीप्लाई, राइट। मैं तो अभी आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, वरना इससे फास्ट हम लोग कर सकते हैं, राइट ना। जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि पढ़ाई तो सब लोग कर रहे हैं, राइट, पढ़ाई तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस कौन कितना कर रहा है, ठीक है, प्रैक्टिस कौन कितना कर रहा है बात उस पर डिपेंड है। आपको प्रैक्टिस करना होगा, है ना, प्रैक्टिस आपको करना होगा ताकि जल्दी से जल्दी आप एग्ज़ाम में प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ, राइट। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, राइट, आपको भी पता है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो ये याद रखना आप। इसलिए जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो, जितना आप उसको प्रैक्टिस करोगे ना उतना जल्दी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। सिर्फ नॉलेज लेने से कुछ नहीं होता है ना, एग्ज़ाम में लगभग 50 लाख 100 1 करोड़ जो भी जितने भी बच्चे बैठते होंगे एग्ज़ाम में, तो उसमें से 40% तो पढ़ाई करके ही आते हैं, ठीक है, उसमें से 40% बच्चे को अच्छा खासा नॉलेज होता है। लेकिन सिर्फ नॉलेज होने से कुछ नहीं होता, नॉलेज के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी करना होगा, है ना। बहुत से बच्चे क्यों पीछे रह जाते हैं, उसका रीज़न यही है कि वो, उनको नॉलेज तो बहुत है लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करते, उनकी स्पीड नहीं होती उतनी, तो वही आपको स्पीड बढ़ानी है। आप लोग अगर स्पीड बढ़ा दोगे ना तो ये प्रॉब्लम भी आप 4-5 सेकंड में सॉल्व कर पाओगे, राइट। इसलिए आपको स्पीड बढ़ानी है, जितना हो सके इसकी स्पीड बढ़ाओ आप, राइट। तो बस यही बोलना चाहूँगा मैं, तो इसका पार्ट 2 भी आएगा इस यूनिट डिजिट का, क्योंकि और मैं आपको 5-6 क्वेश्चन इसी के ऊपर मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको एक नेक्स्ट वीडियो में और अच्छा, आपको इससे भी और बेहतर बेहतर प्रॉब्लम आपको बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।